दिस क्वेश्चन वे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन 2 इंटू 3 पावर एन प्लस 1 प्लस 7 इंटू 3 पावर एन माइनस 1 अपॉन 3 पावर एन प्लस 1 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 3 होल पावर 1 माइनस एन. ओके सो दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 पावर एन प्लस 1 प्लस 7 इंटू 3 पावर एन माइनस 1 अपॉन इसमें एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास एलसीएम इज 3 पावर 1 माइनस एन. सो दिस विल बिकम 3 पावर एन प्लस 1 इंटू 3 पावर 1 माइनस एन माइनस ऑफ 2. सो दिस इज इक्वल्स टू ये इसके डिनोमिनेटर का दिस 3 पावर 1 माइनस एन इज मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें. सो देखिएगा 2 इंटू में 3 पावर एन प्लस 1 2 इंटू 3 पावर एन प्लस 1 इंटू 3 पावर 1 माइनस एन प्लस 7 इंटू 3 पावर एन माइनस 1 एन माइनस 1 इंटू में 3 पावर एन 1 माइनस एन 3 पावर 1 माइनस एन अपॉन दिस वन इज 3 पावर एन प्लस 1 इंटू 3 पावर 1 माइनस एन. सो ये एक्सपोनेंट्स इक्वल टू पावर एडअप हो जाएंगे सो मीन्स एन प्लस 1 प्लस 1 माइनस एन माइनस 2. ओके सो एन से एन कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास ये आ गया 2 इंटू दिस वन इज एन प्लस 1 सो एक्सपोनेंट इक्वल टू पावर एडअप हो जाएंगे तो 3 पावर एन प्लस 1 प्लस 1 माइनस एन सो एन से एन कैंसिल आउट प्लस 7 इंटू यहाँ पर पावर 3 की पावर ऐड हो जाएंगे 3 पावर एन माइनस 1 इंटू 3 पावर 1 माइनस एन. सो दिस इक्वल टू 3 पावर एन माइनस 1 प्लस 1 माइनस एन सो एन से एन कैंसिल आउट हो गया 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया अपॉन दिस वन इज 3 पावर 2 इज 9 3 स्क्वायर इज 9 9 माइनस 2 इज 7. सो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2 इंटू में दिस वन इज 3 पावर 2 3 पावर 2 इज 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 7 इंटू में 3 पावर दिस इज 0 सो 3 पावर 0 इज 1 अपॉन 7. सो दिस इक्वल टू 2 इंटू 9 इज 2 इंटू 9 इज 18 18 प्लस 7 इज 25 अपॉन 7. सो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इक्वल्स टू 25 अपॉन 7. क्या आ गई इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 25 अपॉन 7. ओके सो 2 इंटू 3 पावर एन प्लस 1 प्लस 7 इंटू 3 पावर एन माइनस 1 अपॉन 3 पावर एन प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन 3 पावर 1 माइनस एन इक्वल्स टू 27 25 अपॉन 25 अपॉन 7. ओके सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन.